हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? है ना, तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। हमारा वही एलसीएम का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमारा अभी बाकी रह गया है। आप सभी को पता होगा हमने अपने लास्ट के लेक्चर में या फिर लास्ट के वीडियो में हमने एलसीएम का मेथड 2 ही देखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर, लेकिन 2 नंबर्स के बारे में देखा था, है ना। तो आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, सेम वही टॉपिक, मेथड नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड नंबर 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन फॉर किस चीज के लिए, 3 नंबर्स के लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कहीं रह गया तो आज की इस वीडियो में उसे कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, फोकस रहेगा, है ना। तो आज हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको बता दें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये ऑलमोस्ट पिछले जो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट के 99-100% सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो आज हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपको सॉल्व करते हैं। तो आज स्टूडेंट क्लियर है हमारा एग्जांपल नंबर 1 का, फाइंड आउट करना एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 32। जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने सिर्फ ये चीज की थी, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, यहां पर एलसीएम ऑफ 3 नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पूरी वही सेम है। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करते हैं ना, फॉर 3 नंबर्स। तो आज फिर वही कांसेप्ट, 1 बाय 1 तीनों को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो आज 12 को करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 12 से, है ना। 12 से स्टार्ट करते हैं, सॉरी, है ना, हम स्टार्ट करें 12 से। तो आज मैंने क्या बोला, यहां पर जो नंबर्स आने वाले वो नंबर्स होंगे हमेशा प्राइम नंबर्स। तो मिनिमम प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 से, 2 के टर्म में आएगा 12, 2 6 से 12, यस, देन 2 3 से 6, वेरी गुड, देन 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 टेबल में 3 नहीं आते, तो आ जाइए 3 1 से 3, और कहां पर हमको रुकना है, यहां पर 1 आ जाए तो यहां पर स्टॉप हो जाएगी, सही है। नेक्स्ट क्या चीज है, 18 18 से करते हैं, ठीक है, 18 में करते हैं। तो आ जाइए, ओके, तो स्टार्ट करते हैं मिनिमम प्राइम नंबर 2, ठीक है, तो ये रहा 2, 2 की टेबल 2 9 से 18, 2 4 से 8, सॉरी 9 नहीं आएगा, तो अब आ जाए 3, 3 3 से 9, ठीक है, देन आ जाएगा 3 1 से 3, यहां पे फिर से स्टॉप हो गया। 12 का फैक्टराइज कर ले, 18 ने कर ले, अब आ जाइए बारी 32 की, है ना। 32 की छोड़ देना, बेचारा बुरा मान जाएगा, कोई बात नहीं, आ रही ठीक करते 32, है ना। 32 का क्या होगा, अगेन मिनिमम प्राइम नंबर 2, 16 का, सही है, अगेन 2। जब तक देखो, एक चीज हमेशा सबसे पहली कंडीशन है कि यहां पर सभी प्राइम नंबर्स आने चाहिए। सेकंड कंडीशन, जब तक मिनिमम से डिवाइड होते जा रहे हैं, मतलब वो चीज कटते जा रही है ना, सॉल्व आउट होते है, तब तक उसे कंटिन्यू कीजिए। जैसे नहीं हुई फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर बढ़ी, है ना, ठीक, तभी 2 से कटेगा, है ना। वैसे देखो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 4 4 नहीं, सॉल्यूशन सही है, एग्जैक्टली डिवाइड हो, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो ऐसा नहीं करना ना, यहां पर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 2 8 सा 16, है ना, ऐसे जब तक मिनिमम नंबर से वो परफेक्टली डिविजिबल है तब तक करते चलिए। 2 अगेन 4 सा, है ना, 2 2 सा 2 1 सा, यहां पर आके आपको स्टॉप हो जाना, सही है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ आपका, 1 बाय 1 तीनों को हमने फैक्टराइज कर लिया, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे, तब हम क्या करते हैं, 12 18 एंड 32 का सभी को प्राइम नंबर लिख देते हैं, 12 18 32 को क्या करना है, किसे हमें एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, इट्स यानी उसके प्राइम नंबर का, ना। तो आ जाइए 12 के प्राइम नंबर्स के ये सारे हैं, ये सारे हैं, समझ रहे, 2 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वेरी गुड, 18 के हैं 2 3 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 32 के हैं 2 2 2 2 2 5 टाइम्स है 2, तो आ जाइए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 1, देखो ठीक है। यहां से तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहां से बहुत सिंपल है, यहाँ पे आने पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो बेसिक फंडा लग रहा है, वो क्या है वो समझिए। क्या करना है आपको, यहाँ पर आके आपको चेक करना है क्या, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, समझिए, इसको बोलिए पूरा एक ग्रुप है,
इसमें कितने कितने नंबर, एक तो टू आ रहे हैं और एक थ्री आ रहा है, इसके अलावा कोई आ रहा है? फाइव सिक्स सेवन एट, कोई नहीं आ रहा, तो टू और थ्री ठीक है। तो एक चीज हमको पहले टू और थ्री, अब टू के पहले टू के काउंट करते हैं, तीनों का अब अलग अलग करेंगे, 12 का अलग करेंगे, 18 का अलग करेंगे, 32 के प्राइम नंबर्स को अलग करेंगे ठीक है। तो पहले 12 का करते हैं, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, कितनी नंबर टाइम्स आ रहा है 2, तो 2 आ रहा है 2 टाइम्स है ना। इसमें कितनी बार आ रहा है 18 में, ओनली 1 टाइम, 1 टाइम आ रहा है, और इसमें 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है ना, तो आ रहा है 5 टाइम्स ठीक है, ये लिख लिया ठीक है। अरे फाइनली हमको क्या आंसर करना है, एलसीएम ऑफ क्या चीज, 12 18 एंड 32, 12 18 एंड 32 यही तो हमको फाइनल आंसर मिलने वाला है ना। ओके तो अब हमको यहां पर क्या चीज लिखना है, सही में आ रहा है, यहां पर क्या लिखना है, सबसे पहले 2 को काउंट किए, इसमें 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम, इसमें 5 टाइम्स। अब यहीं पर मेन कांसेप्ट है, तीनों में से सबसे मैक्सिमम कौन सा 5 टाइम्स है, तो बस वो लिखिए, बाकी को लिखना नहीं, जो मैक्सिमम टाइम्स वो लिखे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख दिया ठीक है। अब हम चेक करेंगे किस चीज का, 3 का, 3 कितनी बार आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 टाइम, इसमें 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 इंटू 2 टाइम्स, 3 आ रहा है 2 टाइम्स, इसमें कितनी बार आ रहा है, आ ही नहीं रहा, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 0 बार, आ ही नहीं रहा। अब देखिए इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये है ना, ये 1 है, ये 0, ये 2, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3 ठीक है। ये तो जस्ट आपको समझने के लिए था है ना, अब इसको हम हटा देते हैं, यहां तो कांसेप्ट समझ में आ गया, अब इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं ठीक है। अब क्या करना है, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन सभी को आता है ना ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96 होगा, है ना, 96 3 जा क्या हो जाएगा, काउंट कर लीजिए कोई बात नहीं, देखो यहाँ तक 32, इतना क्या हो गया हमारे पास 32, ठीक है, 32 3 जा क्या हो जाएगा, 96 32 3 जा हो जाएगा क्या, 96 96 3 जा क्या हो जाएगा, 3 6 18, 1 3 3 9 27 28, तो फाइनल आंसर आपको क्या आया, इसका फाइनल आंसर आपका आ गया 288, सही में आप सभी को सही में है ना, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर आपको ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 32 क्या आ गया, 288, सही में आ रहा है आप सभी को है ना। आ जाइए एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर और अच्छे से ये फंडा क्लियर कर लेते हैं ना। तो आधे स्टूडेंट्स के लिए हमारा एग्जांपल नंबर 2 एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स हैं 24 36 120 120, आधे इसको फटाफट सॉल्व करते, बस ध्यान दीजिएगा ना, फोकस रहिए कैसे सॉल्व करते हो। फर्स्ट स्टेप तीनों का 1 बाय 1 फैक्टराइज, 24 क्या आएगा, मिनिमम प्राइम नंबर 2, 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, ऐसा आएगा है ना ठीक है। अब आ जाइए 24 हो गए 36, ध्यान दीजिएगा ना, सिंपल है, 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, समझ आ रहा है, हमको 1 तक स्टॉप कर देना ठीक है। थर्ड वन 120, अब इसका फाइंड आउट कीजिए, मिनिमम प्राइम नंबर 2, 60, 2, 15, देन अभी 2 तो नहीं आएगा, मैंने के बाद उसके नेक्स्ट 5 डायरेक्टली नहीं ले रहा, उसके बाद आता है 2 के बाद 3, 3 भी एक प्राइम नंबर, सॉरी 215 नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 230 जा, अब आएगा वापस एक बार 215 जा, नाउ अब आएगा 2 के बाद 3, तो 3 आएगा 5 जा एंड 5 1 जा, तो ये हमने फैक्टराइज कर लिए। आधे नेक्स्ट स्टेप कर लेते फटाफट, क्या नेक्स्ट स्टेप, 24 36 देन 122, इनके
इनको किस वे से एक्सप्रेस कर देते हैं, इनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से। 24 को 2 2 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 36 को 2 2 3 3 2 2 3 देन 3 कंप्लीट। 120 को 2 2 2 3 टाइम्स 2 एंड देन 3 एंड 5 1 2 देन 3 देन 3 देन 5 मतलब 1 2 3 3 टाइम्स 2 3 5 कंप्लीट। यहां तो समय भाई अब आज एक कॉन्सेप्ट लगा दिया, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो ही गए हो, तो आगे देखते हैं तुमको सॉरी फाइनल हमें क्या करना है। एलसीएम किस चीज का? 24 36 122 24 36 122 ठीक है। तो फटाफट देखिएगा ना, सबसे पहले पूरे ग्रुप में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 5, उसके अलावा नहीं 4 आ रहा है नहीं कुछ नहीं। तो फर्स्ट हम बात करते 2 की, अब इंडिविजुअल बात करते हैं। पहले 24 में 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, इसमें कितनी बार आ रहा है, इसमें तो इसमें कितने 1 2 3 2 आ रहा है 3 टाइम्स। ध्यान दीजिएगा ना, फोकस यही सबसे इंपॉर्टेंट यही मेन कांसेप्ट है। इसमें 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, ओनली 2 टाइम्स। इसमें 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये 3 ये 3 कोई भी लिख दीजिए यहां पर आ जाएगा, सॉरी हां यहां पर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 समझे। ठीक है 2 की बारी की, अब आ जाइए 3 को देखते हैं। अब देखो ठीक है, अब 3 को देखते हैं, 3 के कितने बार आ रहा है इसमें, 1 टाइम, इसमें 1 2 2 टाइम। ध्यान दीजिएगा ना, इसमें आ रहा है ओनली 1 टाइम। तो तीनों में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किसमें आ रहा है, इसमें 1 इसमें 1 लेकिन इसमें 2, तो ये आ जाएगा हमारा यहां पर, इसको लेना है ना, सॉरी ये 2 है, 3 * 3 2 टाइम्स समझे। ठीक है अब देखते हैं 5, ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इस पे कितनी बार आ ही नहीं रहा, 5:0 इसमें भी 5 नहीं आ रहा, 5:0 इसमें 5 कितनी बार आ रहा, ओनली 1 टाइम्स। तो तीनों में से किसमें मैक्सिमम है, ऑब्वियसली लास्ट में है ना, मतलब थर्ड वाले में, तो * 5 सही में आ रहा है सभी को है ना। सॉरी तो हमने क्या किया, 1 बाय 1 चेक किया, 2 तीनों में से किसमें मैक्सिमम है वो लिख दिया यहां 3 बार, 3 तीनों में से किसमें मैक्सिमम है इसमें, तो वो 2 बार लिख दिया, 5 1 बार। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो मल्टीप्लाई, क्या आएगा आंसर काउंट कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120, 123 जा 360 समझे। ये आ गया आपका आंसर फाइनल 360, यानी इसका क्या एलसीएम हो गया, एलसीएम किस किस का, 24 36 एंड 120 का क्या हो गया, ये सही है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अब आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। अगर अभी भी आपको किसी को भी है ना कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप बताइए, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। बस अब आपका क्या काम है, ओनली प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट है ना, तो प्रैक्टिस कीजिए है ना। किसी क्वेश्चन में डाउट है वो बताइए, कोई नए क्वेश्चन है वो बताइए, कुछ और डाउट है वो बताइए है ना। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे है ना, बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो बस क्या करना है, आपको कमेंट करना है ना। और आपको कैसा लगा वो भी बताइए, कैसा लगा वीडियो है ना, कोई टॉपिक कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा वो सब ठीक है। तो बस ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सभी को गुड बाय।